क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, जिसपे जैसे फॉर एग्जांपल बी है वो हमारे पास 90 डिग्री, एंगल ए है वो हमारे पास होगा अक्यूट एंगल. इसमें से हमें रेशियो फाइंड आउट करने हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन होते हैं हमारे पास साइन, कोस, टेन. थ्री हमारे पास ये होते हैं साइन, कोस और टेन. थ्री इनका रेसिप्रोकल होता है. साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसिकेंट, कोस का होता है हमारे पास सिकेंट, टेन का होता है हमारे पास रेसिप्रोकल कोट. ए अगर हम एक्यूट एंगल मान के चलें और साइन ए एंगल फाइंड आउट करें, इसमें हमारे पास ए बी है वो बेस है, बी सी है वो इसका परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास है हाइपोटेनस. जब साइन ए निकालेंगे हम, साइन ए निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी अपॉन में ए सी. कोसिकेंट निकालेंगे हम, कोसिकेंट ए इसमें होता है जो ये एंगल होता है, इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जिस साइड पे ये बना हुआ होता है वो बेस होगा. हाइपोटेनस है वो हमारे पास अनचेंज रहता है. अगर हम एंगल सी निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ से साइन सी निकालें, यहाँ पे हम निकालें साइन सी, तो सी निकालेंगे तो हमारे पास ए बी है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और पी है ये बी सी ये हो जाएगा हमारे पास बेस. तो साइन सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन में हाइपोटेनस, ये हमारे पास ए सी, यानी कि ए बी है वो हमारे पास है, यानी हमने लिया था बी, इसको मान लिया था हमने पी, तो वही आएगा पी अपॉन में एच. इस एंगल पे या फिर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं. इस एंगल के सामने या इस एंगल जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसके सामने वाला होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे ये बना हुआ है जिस लाइन के ऊपर वो हमारे पास होगा बेस. ऐसे ही अब जब ए को हम एंगल मान के चलते हैं तो हमारे पास ये कोस ए है वो क्या आएगा, कोस ए क्या आएगा, कोस ए में हमारे पास होता है बेस, वह उल्टा हो जाएगा. इसमें परपेंडिकुलर था वो हमारे पास न्यूमिनेटर और हाइपोटेनस डिनोमिनेटर था, इसमें हमारे पास बेस अपोन में हाइपोटेनस हो जाएगा. बेस है वो हमारे पास है ए बी अपोन में ए सी. अब टेन ए निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टेन की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन में कोस ए. साइन ए अपॉन में कोस ए अगर आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इक्वल टू टेन ए के. साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी अपॉन में एच. कोस ए है वो हमारे पास है बी अपॉन में एच. जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास पी अपॉन एच रेसिप्रोकल हो जाएगा ये एच अपॉन में बी. एच से एच कैंसिल, यानी कि पी अपॉन में बी. पी है वो हमारे पास आ गया बी सी अपॉन में बी, यानी कि बेस वो हमारे पास है ए बी. यानी कि इससे फॉर्मूला निकल के आता है अगर हम tan A निकालते हैं तो tan A की वैल्यू आएगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. अब साइन का अपोजिट हमारे पास कोसिकेंट, कोसिकेंट यानी साइन का रेसिप्रोकल. साइन का रेसिप्रोकल निकालने के लिए अगर यहाँ पे हम निकालते हैं कोसिकेंट A, तो साइन
साइन ए का रेसिप्रोकल यानी कि एच हाइपोटनस ऊपर और परपेंडिकुलर पी है वो नीचे, मीन्स आपके पास हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी। फिर हम सीकेंट ए निकालेंगे, सीकेंट है वो रेसिप्रोकल है हमारे पास कोस का, कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी, एच यानी कि ए बी अपॉन में सॉरी ए सी ऊपर हो जाएगा हमारे पास रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटनस, ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। सेम ऐसे ही जब हम निकालेंगे कोट ए, कोट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, तो टेन ए का रेसिप्रोकल यानी कि कोस ए अपॉन में साइन ए, कोस ए अपॉन में साइन ए। अगर क्वेश्चन में कहीं भी कोस ए और साइन ए डायरेक्ट आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं टेन ए। ये हमारे पास आया पी अपॉन में बी, यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो बी अपॉन में पी, बी यानी बेस, पी यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करने का फॉर्मूले थे, जो हम हमारे पास गिवन ट्रायंगल होगी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी उस में से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी की भी एक की भी वैल्यू हमारे पास एब्सेंट है, मान लीजिए यहाँ पे बेस दे रखा हमारे पास 3, परपेंडिकुलर दे रखा हमारे पास 2, हाइपोटनस निकालना है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, उसमें हमारे पास पुट करते हैं हम हाइपोटनस का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए कोस बी ए, सेकेंड पार्ट में साइन सी और कोस सी। हमारे पास एक राइट एंगल दे रखी है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपके पास गिवन है कि राइट एंगल एट बी यानी कि बी है वो आपके पास 90 डिग्री है, ए बी यानी कि ये हो जाएगा आपके पास बी, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए और कोस ए की। हम इसको मान लेंगे ए और ये हो जाएगा हमारे पास सी। ए बी है उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें आपको बताया है कि जब भी हमारे पास दो गिवन वैल्यू है और थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हमारे पास क्या होता है हाइपोटनस ये होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हमें हाइपोटनस यानी कि ए सी, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए सी स्क्वायर, बी सी यानी पी है वो हमारे पास दे रखा है बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। ए सी हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज यूज करेंगे, बी सी, बी सी है वो हमारे पास है 7 स्क्वायर प्लस में 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49 प्लस में 24 होता है 576, दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 625। 625 स्क्वायर होता है हमारे पास 25 का, तो 625 एसी का स्क्वायर है वो इस पे लग जाएगा, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 625।
तो ए सी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। साइन ए फाइंड आउट करेंगे, ये जब अक्यूट एंगल है, जब इस साइड वाला जो हम एंगल लेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर साइड होगी वो होगी बी सी, और बेस होगा इसका हमारे पास ए बी। साइन ए फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटनस। परपेंडिकुलर पी, पी की वैल्यू है हमारे पास 7 और हाइपोटनस अभी हमने फाइंड आउट किया है 25, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 अपोन में 25। पी की जगह और एच की जगह हम पुट कर सकते हैं बी सी अपोन में ए सी बी। ऐसे ही जब हम कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोस ए आएगा हमारे पास, जब कोस निकालते हैं तो न्यूमिनेटर हमारे पास बन जाता है बेस यानी कि बी अपोन में हाइपोटनस। बी है वो हमारे पास है 24, एच की वैल्यू है वो हमारे पास है 25, तो 24 अपोन में 25। सेकेंड पार्ट है इसमें जब हम साइन सी यानी कि अब ए को एंगल न मानकर हमें एंगल मानना है सी को, जब सी को हम एंगल मानेंगे तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है उनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जो भी एंगल हमें निकालना होता है उसके सामने वाले जो साइड होती है उसके सामने या अपोजिट बिल्कुल, उसको हम मानते हैं परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर ये एंगल बना होता है वो हमारे पास होता है बेस। तो साइन सी फाइंड आउट करेंगे तो अब हमारे पास बी सी है वो इसका हो जाएगा बेस। साइन सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा ऊपर, तो परपेंडिकुलर यानी पी, पी अपोन में हाइपोटनस अनचेंज रहेगा एच पी। पी की वैल्यू है वो हमारे पास है 24 अपोन में एच की वैल्यू 25। अब निकालना हमें कोस सी, कोस सी फाइंड आउट करेंगे, वही सी फाइंड आउट करेंगे तो सी के एंगल जिसके ऊपर बना हुआ वो बेस यानी कि बी सी है वो हमारे पास बेस हो जाएगा यानी बी अपोन में एच। बी, बी की वैल्यू है वो हमारे पास है 7, एच है वो हमारे पास है 25, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस में कोट आर। टेन पी और कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उनका सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है उसमें फिगर दे रखा है, उस पर क्यू एंगल है वो हमारे पास राइट एंगल है, और हमें पी और आर को एंगल मानकर हमें टेन पी और कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही रूल लगाएंगे हम, जब हमारे पास टू साइड्स गिवन होती हैं और थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हम निकालते हैं पाइथागोरस, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटनस यानी हमारे पास गिवन है पी आर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है इसका पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में बेस, बेस है वो हमारे पास है क्यू आर। जो वैल्यू इसमें गिवन है वो हम पुट करेंगे, हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, गिवन पी आर दे रखा है हमारे पास, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड पी क्यू, पी क्यू है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर। तो पी आर, पी आर की वैल्यू पुट करेंगे 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज 12 स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू हमें चाहिए उसको हम एक साइड रखेंगे और जो डिजिट नंबर्स हैं उनको हम इकट्ठे करेंगे, तो ये आएगा 13 का स्क्वायर माइनस में आएगा इस साइड आएगा तो 12 स्क्वायर
इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169 माइनस में 12 स्क्वायर 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इनको जब माइनस करेंगे ये आएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 25 इक्वल टू क्यू आर, यानी क्यू आर की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 5। 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो क्यू आर की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से अभी फाइंड आउट करना हमें टेन पी फाइंड आउट करेंगे, यानी P है वो हमारे पास एंगल होगा। जब P को एंगल मानेंगे हम इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड QR है वो हमारे पास हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर ये एंगल बना हुआ है वो हो जाएगा हमारे पास बेस, यानी कि टेन पी निकालेंगे। टेन पी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब हम टेन निकालते हैं या टेन थीटा वगैरह, तो ये होता है साइन अपॉन में कोस, यानी साइन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू आर अपॉन में बेस, बेस है वो हमारे पास है पी क्यू। क्यू आर अपॉन में पी क्यू करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 और पी क्यू है वो हमारे पास 12। ऐसे ही हम निकालेंगे कोट आर, जब कोट आर की वैल्यू निकालेंगे हम कोट आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर है वो हमारे पास होगा एंगल, और एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड होगी वो हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी अब परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू और बेस हो जाएगा हमारे पास क्यू आर। कोट का फॉर्मूला होता है कोस अपॉन में साइन, कोस कोस में हमारे पास बेस आता है ऊपर, तो इसमें आएगा हमारे पास बेस अपॉन में पी, बेस बेस यानी कि क्यू आर, क्यू आर अपॉन में पी, पी यानी पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू है वो हमारे पास है 5 और पी क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास है 12। अब हमें करना है इनका सब्ट्रैक्शन, यानी कि टेन पी माइनस में कोट आर। टेन पी की वैल्यू है वो हमारे पास है 5 अपॉन में 12 माइनस में कोट आर 5 अपॉन में 12। एलसीएम लेके सोल्व करें या ए माइनस बी, ए माइनस ए इज कैंसिल हो जाता है, तो 12 इज एलसीएम 5 माइनस 5 यानी 0 अपॉन में 12 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आएगा आपके पास टेन पी माइनस कोट आर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा हमारे पास, एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन इसमें एक्यूट एंगल है वो हमें क्या मानना पड़ेगा ए, क्योंकि साइन ए दे रखा है, तो ए बी सी ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। आप बी सी कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ए अगर यहाँ फाइंड आउट करना हमें तो इसको अक्यूट एंगल ही मान के चलेंगे, और अक्यूट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जिस पे एंगल बना होता है वो हमारे पास होता है बेस, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, यानी कि जो बेस और परपेंडिकुलर को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। साइन ए है, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 3/4। अगर हम फॉर्मूले से साइन एंगल ए फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी एच। परपेंडिकुलर यानी कि आपके पास बी सी, बी सी अपॉन में ए सी। गिवन वैल्यू को अगर हम कंपेयर करते हैं तो पी, पी है वो 3 हो जाएगा हमारे पास,
और एच है वो हमारे पास हो जाएगा 4, यानी कि बी सी की वैल्यू है वो आपके पास होगी 3 और ए सी की वैल्यू है वो होगी हमारे पास 4, यानी बी सी ये आ जाएगा हमारे पास 3, ए सी यानी हाइपोटेनस है वो आ जाएगा हमारे पास 4। जब दो गिवन वैल्यू होती हैं और अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन होती है तो वहां लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास दे रखा है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस में ए बी है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 9 प्लस में ए बी स्क्वायर। 16 माइनस 9, इस साइड 9 शिफ्ट करेंगे, ए बी स्क्वायर 16 माइनस 9 इज 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास स्क्वेयर रूट हो जाएगा ये 7 और यह आ जाएगी ए बी की वैल्यू आएगी आपके पास रूट 7, यानी कि बेस है वो हमारे पास आ जाएगा रूट 7। फाइंड आउट करना है हमें अब कोस ए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ए यानी एक्यूट एंगल, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, कोस ए फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू आई है हमारे पास रूट 7 अपॉन में हाइपोटेनस है वो हमारे पास है 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 7 अपॉन 4। टेन ए फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन अपॉन कोस, यानी साइन में हमारे पास आता है पी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 3 और बेस की वैल्यू है वो हमारे पास है रूट 7, तो कोस ए वो आ जाएगा रूट 7 अपॉन में 4 और टेन ए है वो आ जाएगा 3 अपॉन में रूट 7।